कर्नाटक के एक मंदिर में मांस की माला चढ़ाने की कोशिश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र के डोडा बल्लापुर तालुक के लॉर्ड शनेश्वरा श्री शनि महात्मा मंदिर का है। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मुनि राजू और 45 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक सोमशेखर शाम को करीब 4 बजे मंदिर परिसर पहुंचे और पार्किंग में ही उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। इससे पहले जनवरी में भी दोनों ने ऐसा करने की कोशिश की थी और तभी से सुरक्षा कर्मियों की नजर इन पर रहती है। जब उनसे माला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं। तब सुरक्षा कर्मी ने पाया कि गुलाब के फूलों के पीछे मिर्च के टुकड़े भी लगे हुए हैं। मंदिर समिति के प्रेसिडेंट ने बताया कि इन दोनों ने बताया है कि वे एक व्यापारी की तरफ से आए हैं जिसका बहुत नुकसान हो गया है और वह शनेश्वरा भगवान को ये माला चढ़ाना चाहता है। सुरक्षा कर्मियों को उनकी बात पर शक हुआ और जब जांच की गई तो माला में मांस के टुकड़े मिले। पुलिस के हवाले किए गए दोनों आरोपी। इस पूछताछ के बाद मंदिर समिति ने दोनों ही आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस इस कहानी का अलग ही वर्जन बताती है। पुलिस के अनुसार खुद को गॉडमैन कहने वाले एक व्यक्ति ने ही दोनों को ये माला शनेश्वरा भगवान को चढ़ाने की नसीहत दी है, जिसके बाद उनके जीवन में भगवान की अपार कृपा हो जाएगी और वे आनंद में रहेंगे। हालांकि घटना के बाद तथाकथित गॉडमैन फरार हो गया। इसी साल जनवरी में भी दोनों ने इसी तरह की माला चढ़ाने की कोशिश मंदिर में की थी। उस वक्त मुख्य पुजारी लंच के लिए बाहर गए थे, हालांकि तब वे माला को वहीं पर रख कर भाग खड़े हुए थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।